नमस्कार, मैं आयुषी। इस वक्त की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। किडनी का इलाज करा रहे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली रविवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। यह शपथ राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के चैम्बर में दिलाई जाएगी। कठुआ में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में गिरफ्तार लोगों के समर्थन में हुई रैली में शामिल होने वाले बीजेपी के दोनों मंत्री आज प्रदेश की पीडीपी बीजेपी सरकार से बाहर हो गए और इस तरह से राज्य में पैदा हुआ राजनीतिक संकट फिलहाल थम गया। फेसबुक डाटा लीक के जरिए सोशल मीडिया कैंपेन से चुनावों को प्रभावित करने का मामला सामने आने के बाद अब चुनाव आयोग सख्ती करने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग जल्द सोशल मीडिया के लिए आचार संहिता लागू करेगा। देश में अगर किसी कंपनी को सोशल प्लेटफॉर्म चलाना है तो उसे आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा। पिछले 3 दशक से काफी समय से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे प्रवीण तोगड़िया ने शनिवार को संगठन छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो हिंदुत्व के मुद्दे को प्रचारित करने के लिए मंगलवार से अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन का दौरा खत्म करने के बाद वापस लौटते समय बर्लिन जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात 20 अप्रैल के जर्मन चांसलर एंजेल मर्केल से होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइड ऑफ बॉर्डर लाइन।